अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है हम सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब आप लोगों ने स्टडी शुरू कर दी होगी कि आपको आपके एग्जाम्स का स्केड्यूल भी पता चल चुका, बाकी सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो स्टडी शुरू करते हैं। अगर किसी ने अभी तक स्टडी करना शुरू नहीं की तो स्टूडेंट्स, टाइम अब स्टडी का आ चुका है, रमजान खत्म है, अब आप अपनी स्टडी को लाजमी फोकस करिए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहूँगा। तो क्लास हमारा जो आज का लेक्चर होगा, ये जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसका लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर एथलीट्स की ट्रेनिंग का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। और हमने आज के इस लेक्चर में ये देखना है कि जो फीमेल्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, फीमेल्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी फीमेल्स हैं, और अगर फीमेल्स अपने आप को ट्रेन करना चाहें तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उनके पास जो पेशेंट आएंगे, कल को आपने अपनी फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करना है, तो ड्यूरिंग योर फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस आपको पेशेंट्स देखना पड़ेंगे फीमेल्स, और उसमें आपके पास एथलीट्स भी आ सकते हैं, उसके पास आपके पास किसी और प्रॉब्लम के साथ फीमेल्स पेशेंट भी आ सकती हैं। तो हमें बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, और हमने उन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। आज का लेक्चर इन पॉइंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ ही पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आपसे स्क्रीन शेयर हो गई है, इसको जरा से चेक सेट कर लूं फिर मैं आपसे। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं, हमारा जो आज का चैप्टर है बुक में से ये चैप्टर नंबर 22 है, जिसमें हमने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। और वो ट्रेनिंग किसकी होगी? फीमेल एथलीट्स की, चिल्ड्रन की, एंड स्पेशल पॉपुलेशन। हमने जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी तो इसके स्टार्ट पे हमारा एक पूरा चैप्टर था ट्रेनिंग फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, और उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि स्पेशल पॉपुलेशन से क्या मुराद है। यहाँ पे आज हम अगेन डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के बारे में, एस्थमेटिक पेशेंट्स के बारे में देखेंगे कि जब हमने उनकी ट्रेनिंग करवानी है तो हमें कौन से पॉइंट्स को फोकस करना पड़ेगा। फीमेल एथलीट की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होंगे, और इसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करें, और साथ में मैं आपको इलेबोरेट करूंगा। आज के इस चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने किन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं आपसे ऑब्जेक्टिव शेयर करता हूँ। हमने फीमेल एथलीट्स में एमेनोरिया का इंसिडेंस देखना है, और इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमेनोरिया क्या होता है और ये कब डेवलप होता है, और इसमें एथलीट्स में जो एमेनोरिया हो और जनरल पॉपुलेशन में एमेनोरिया हो उसमें क्या डिफरेंस है, और उसमें उनका क्या इंसिडेंस है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एथलीट्स में एमेनोरिया कॉज करते हैं,
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड स्पेसिफिक कंडीशन है, एमेनोरिया, मतलब सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। ये किस वजह से हो सकता है, क्या क्या कंडीशन है, हम आज के इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। जब फीमेल्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही होगी तो किन पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, ऐसी क्या जनरल रिकमेंडेशंस हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान खास तौर पर उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक्सरसाइज करवाएंगे उसके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, और हम उनको जब ट्रेन करेंगे तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करना है। इसके अलावा फीमेल एथलीट ट्राइएड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपको पॉइंट उनके पता होंगे। तो फीमेल एथलीट ट्रायड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा जब हम स्पेशल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमने कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन, उनके ऊपर क्रोनिक एक्सरसाइजेज, या आप जब बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग करवाते हो तो क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं, ये हम आज इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ वो किस तरह से अफेक्ट होती है एक्सरसाइज के दौरान, और ट्रेनिंग का डायबिटीज़ टाइप 1 के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये भी हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा इंसुलिन इंजेक्शंस जब वो अप्लाई किए जाते हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रेनिंग से पहले, तो उनका क्या इफेक्ट आता है, ये हमने आज समझना है। लास्ट पे कुछ भी क्वेश्चंस होंगी जो कि एस्थमेटिक पेशेंट्स को के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, एस्थमेटिक पेशेंट्स को इन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये सारी की सारी बातें हमारी फोकस कर रही हैं ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। हमने जब ट्रेनिंग करवाना है तो ट्रेनिंग के लिए इन पॉइंट्स को हम ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे और ज़रूर इनको फोकस करते हुए हम ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसमें सीजर एंड एपिलेप्टिकस, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि एक्सरसाइज से प्रमोट होती है, अगर प्रमोट होती है तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में फोकस करेंगे। तो मैं आज का ये आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। एक्सरसाइज जब फीमेल्स करती हैं तो एक्सरसाइज का मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, उसमें एक मोस्ट कॉमन कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे एमनोरिया कहते हैं। एमनोरिया मैं पहले भी आपको बताया, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन या स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल्स में जब आप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवा दोगे, हैवी ट्रेनिंग की वजह से एमिनोरिया हो सकता है। अगर एथलीट ना हो तब भी, और अगर एथलीट हो और कंपिटेटिव स्पोर्ट्स हो, आपने बहुत सी मूवीज ऐसी देखी होंगी जिसमें फीमेल्स एथलीट गेम करती हैं, जिस तरह आमिर खान की एक मूवी आई थी सुल्तान, नहीं दंगल नाम था शायद उसका, तो उसमें उसकी बेटियां ट्रेनिंग करती हैं। और जब भी फीमेल्स में कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट हो, कंपटीशन वाला स्टेज हो, तो उसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा जब फीमेल्स
किसी काम से रिलेटेड वो घर की कोई बात हो सकती है, वो प्रोफेशन रिलेटेड ऑक्यूपेशन रिलेटेड को स्ट्रेस हो सकता है। तो किसी भी वजह से जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन जो बहुत ज़्यादा लीन फीमेल्स हों उनमें या बहुत ज़्यादा ओबीज हों उनमें, दोनों में एमिनोरिया बॉडी कंपोजिशन की वजह से भी डेवलप हो सकता है। इसी तरह एक टर्म है डिसमेनोरिया, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज एमिनोरिया एंड व्हाट इज डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और मोस्ट कॉमनली हर दूसरी या तीसरी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पेनफुल हो जाता है तो उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में आपका स्लीपिंग साइकिल, आपका स्ट्रेस लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, इसके अलावा डाइट बहुत मैटर करती है, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, तो और फिजिकल एक्टिविटी मैटर करती है। ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डिसमेनोरिया हो जाता है। और जब हम एथलीट की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उनमें ट्रेनिंग अफेक्ट करती है और ट्रेनिंग को लिमिटेशंस आ जाती हैं। फीमेल्स में जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो एथलीट्स में तो और कोई रीजन नहीं होती कि उनकी ट्रेनिंग आप कम करो, बट ये मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें एक्सरसाइज स्टॉप करना पड़ती है, एक्सरसाइज कम करना पड़ती है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है। इस तरह बहुत सी एक्सरसाइज जब हम पेशेंट्स को करवाते हैं उसमें एक्सरसाइज करवाने का फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि जब फिजियोथेरेपी सेटअप में पेशेंट आता है तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे पेशेंट की फिजियोथेरेपी करता है। बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली करवा रहे होते हैं, बट इन सम केसेस वी हैव टू डिज़ाइन एक्सरसाइज प्लान फॉर पेशेंट, और हम उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान को होम बेस्ड एक्सरसाइज प्लान कहते हैं जिसको हमने पेशेंट को घर में एक्सरसाइज करने के लिए कहनी है। नॉर्मल रूटीन के अंदर कोई प्रॉब्लम के साथ पेशेंट को एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन जब बात आती है फिटनेस की तो फिटनेस के लिए हैवी एक्सरसाइज करना पड़ती है। तो हम फीमेल्स को प्रॉपरली ये गाइड करते हैं कि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी या उनको मॉडिफाई करना होता है। तो ये तो बात हमने की अपने पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की, जबकि हमारा जो चैप्टर है और सब्जेक्ट है ये फोकस कर रहा है एथलीट के ऊपर। तो हमने एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताना है, गाइड करना, और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। मैं एक बात बार बार करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग अगर वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो उनके लिए ये बातें प्राइम इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनको इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सी फीमेल्स हो सकता है अगर उन्होंने इस ऑक्यूपेशन को चूज़ करना है, फील्ड में प्रैक्टिस करनी है और वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनती हैं और उनकी ड्यूटी किसी फीमेल टीम के साथ लगती है, तो उस वक्त ये सारी बातें आपको याद आएंगी और इन सारी बातों को आप अप्लाई करोगे और इनके एप्लीकेशन वहाँ पे देखोगे। फीमेल एथलीट ट्रायड की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन एंड अगेन ये आपसे बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। एमिनोरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों होता है और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फीमेल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ईटिंग डिसऑर्डर है, मोटी ना हो जाएं और बीज ना हो जाएं, उसकी वजह से ब्लूमिया नर्वोजा एंड एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये दो टर्म्स हैं जो आप लोग अपने बचपन से मतलब 9th-10th से और FSC से इन टर्म्स को सुनते पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर किस तरह से हो सकते हैं, कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से,
मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बोन मिनरल लॉस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, और अल्टीमेटली ये कंडीशन रिलेट करती है फिर ऑस्टियोपोरोसिस से। तो इन जब भी एथलीट ट्राइएड की बात होगी, ट्राइएड के अंदर इन तीन पॉइंट्स को आपने लाजमी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको ये तीन पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर एंड बोन मिनरल लॉस। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ में ये बात दिखाई गई है, आप एक एथलीट की ट्रेनिंग करवाते हो और उस एथलीट में जितना आप ट्रेनिंग डिस्टेंस माइल्स में ज़्यादा करते चले जाओगे उसमें परसेंटेज इंसिडेंस ऑफ एमिनोरिया उतना ज़्यादा होता जाएगा। आप एक फीमेल को ट्रेन करते हो एक हफ्ते में 20 माइल्स टू 30 माइल्स आपने उसकी रनिंग उसकी ट्रेनिंग करवानी है पर वीक ये बात हो रही है, तो उसमें हमारे पास तकरीबन 15-20% एमिनोरिया के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे आप वीकली ट्रेनिंग डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे परसेंटेज इंसिडेंस ऑफ एमिनोरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको इंसिडेंस का पता होना चाहिए, जब एमिनोरिया आप एथलीट में मेंशन करोगे तो इस पॉइंट को आप वहाँ पे इजीली एलैबोरेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर्स की। तो ईटिंग डिसऑर्डर मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, एक को नाम दिया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोजा और दूसरे को ग्लूमिया नर्वोजा। इनमें डिफरेंस क्या है, एनोरेक्सिया के अंदर वो बिल्कुल खाना नहीं खाती, स्टेट ऑफ स्टारवेशन है, खाना छोड़ दिया, भूखा रहना है, फाके करने हैं, क्यों, वेट बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए जो स्पेसिफिक जिसमें भूखा रहा जाता है वो है एनोरेक्सिया नर्वोजा। और जो दूसरी कंडीशन है ब्लूमिया, इसमें खाना तो खा लिया बट एक फियर है कि बहुत ज़्यादा मोटे ना हो जाएं, तो पहले बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे उसके बाद वोमिटिंग कर देंगे, और फीमेल अक्सर इस प्रॉब्लम के साथ वो खाना खाने के बाद किसी भी तरह से वोमिटिंग इंड्यूस कर लेते हैं। वोमिटिंग इंड्यूस करने के डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि ये काम करते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर है और ईटिंग डिसऑर्डर। अब इन दोनों कंडीशंस में जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं, जो बॉडी को हमारे कैलोरीज रिक्वायर हैं वो नहीं मिल पाएंगी और उस वजह से पूरा बॉडी डिस्टर्ब होगा। तो इन स्पेसिफिक टर्म्स का आपने एक्सप्लेन करना है जब आपको एक क्वेश्चन आता है। एनोरेक्सिया नर्वोजा के वार्निंग साइंस क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल एनोरेक्सिया की शिकार हो चुकी है, एक तो वजन बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाए, रैपिड वेट लॉस हो, इसके अलावा फीमेल जब खाना नहीं खाया और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद कोई भी ऐसा काम जो उनको दिया जाए जिसमें फूड रिलेटेड एक्टिविटीज हों तो वो कहेंगे ये काम हमने नहीं करना। अब एक तरफ तो देखिए खाना नहीं खा रही, दूसरी तरफ वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रही हैं ताकि अपना वेट कम करें, और इसके अलावा वो बैगी क्लोथ यानी कि खुले खुले कपड़े पहन रही हैं ताकि पतली पतली महसूस हों, और प्री ऑक्यूपेशन विद फूड कैलोरीज एंड वेट, ये सारे के सारे साइंस हैं जो कि आपको वार्न करेंगे वो फीमेल एनोरेक्सिया नर्वोजा की शिकार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल सा पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा वो हम किसी और सब्जेक्ट में डिटेल में आप फिजियोलॉजी में
और पैथोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे वार्निंग साइंस का आइडिया होना चाहिए। ब्लूमिया के वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? दोनों के अंदर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिफरेंस क्या है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू स्पेसिफिक कंडीशंस, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नोटिसेबल वेट लॉस है, इसमें भी डिप्रेसिव मूड होगा, उसमें मूड स्विंग्स हैं, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन के फीचर्स, डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं। और इसमें डाइटिंग तो करती हैं लेकिन साथ में वो वोमिट भी कर रही होती हैं। एक्सेसिव कंसर्न होता है उनका वेट के साथ, हर वक्त उनके माइंड में वेट को लेके ही बातें चल रही होती हैं। बाथरूम विजिट्स आफ्टर मील्स सिंपल एक इंडिकेशन है, जिसमें खाना खाने के बाद वो वॉशरूम जाके बाथरूम जाके वोमिट करती हैं और अपने ही बॉडी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं। और फीमेल जो ओबीज हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सारी ब्रेन की गेम है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट ने काउंसल करना है, गाइड करना है, एजुकेट करना है। आप में से मेजॉरिटी फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न द स्ट्रेटजीज हाउ टू ओवरकम, हाउ टू कॉप अप दीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंड यू हैव टू गाइड योर पेशेंट और क्लाइंट अबाउट द स्पेसिफिक कंडीशंस, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज स्पेसिफिक कंडीशंस। तो खुद भी बचना है, अपने पेशेंट्स को भी गाइड करना है। होप सो ये क्वेश्चन आपको ईटिंग डिसऑर्डर का समझ आ गया। बोन मिनरल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? मैंने पहले भी बताया कि हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में एज रिलेटेड है मोस्ट कॉमनली, जब आफ्टर मेनोपॉज़ल उनमें बोन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है एमिनोरिया की वजह से, और अगर वो प्रॉपरली डाइट नहीं ले रही तो उनमें कैल्शियम इंटेक कम होने की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी या बोन मिनरल लॉस हो जाता है, बोन मिनरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी फीमेल को ट्रेन करते हो तो उनमें आपने इन तीन बातों का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उनका बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी होते हैं और आपने चेक करना है, उनको समटाइम्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है। इसके साथ साथ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नोटिस करना पड़ता है। फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बाकायदा अपने एथलीट्स के उनसे क्या है, उनको गाइड किया जाता है कि आप अपना चार्ट बनाएं, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पीरियड नोट करें, और उसमें उनका जो नॉर्मल साइकिल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा समटाइम्स ये एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं, अगर उनकी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं, कुछ टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो उस वक्त फीमेल एथलीट्स को वो मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो और वो नॉर्मली अपनी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकें। तो ये सारी बातें स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ट्रेन किस तरह से किया जा सकता है और उसके लिए कौन सी बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें हमने शॉर्ट टर्म लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवानी है जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ हों, और एक्वेटिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस में एक्वेटिक एक्सरसाइजेस का एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें अंडर वाटर
हम ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारा फोकस होता है कि हमने फीमेल्स को ट्रेन करना है आफ्टर द डिलीवरी, उन्होंने बेबी कैरी करना है, तो बेबी कैरी करने के लिए हम हैंड यूज करते हैं, अपर लिम्ब को यूज करते हैं, तो अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा मैं ये लोगों को गाइड करता हूँ, हमारी फिजियोथेरेपी में ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किया जाए तो सी सेक्शन से अवॉइड किया जा सकता है। फीमेल्स को हम सी सेक्शन से, जो कि बड़ा ऑपरेशन जिसे लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है, हम उससे बचा सकते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट फील्ड है और आपको इन बातों का ज़रूर पता होना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि बातें तो सारी पता होती हैं, फिर इन पे अमल नहीं होता। तो आप अभी बेसिक्स सब्जेक्ट पे हैं, आपका सेकंड ईयर है, तो अगर आप अभी से इन बातों को माइंड में रखोगे तो आफ्टर 5 ईयर आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश भी करोगे, इन एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करोगे और कल को अपने पेशेंट्स के लिए आप हेल्पफुल होंगे। फीमेल्स को ट्रेन करते वक्त प्रेगनेंसी में हमने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करवानी। ये सिंपल से कुछ भी क्वेश्चन हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब हम ट्रेन करते हैं तो उनमें हमने किन बातों का ख्याल रखना है कि जो कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम है उसमें VO2 मैक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए उतनी ही जितनी के अडल्ट्स में आती है। और बच्चों को इतनी हैवी ट्रेनिंग नहीं करवानी कि उनमें कोई परमानेंट कार्डियोवास्कुलर डैमेज हो जाए। तो ये सिंपल सी कार्डियो पल्मोनरी रिलेटेड कुछ कंडीशन हैं जिनको ज़रूर आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जब बच्चों को जिम में नहीं भेजना चाहिए, उनकी हाइट कम रह जाती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती उनको जिम नहीं करना चाहिए, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो इसका इफेक्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर आता है। तो हमने इतनी ट्रेनिंग करवानी है कि उनकी ग्रोथ इफेक्ट ना हो, उनकी ग्रोथ कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों में चूँकि ग्रोथ हो रही है, आर्टिकुलर प्लेट और एपिफिजियल प्लेट की ग्रोथ हो रही है, तो उनमें कार्टिलेज डैमेज नहीं होना चाहिए। दीज आर द मेन कंसर्न विच वी शुड फोकस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन, एंड दैट ट्रेनिंग विल बी स्पोर्ट्स रिलेटेड। और आप लोगों ने अगर स्पोर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट हो, और बॉयज कुछ को मैं जानता हूँ जो इंटरेस्टेड हैं कि जी टीम्स होते हैं जिसे अंडर 16 का नाम दिया जाता है, अंडर 18, अंडर 19 टीम्स, क्रिकेट, फुटबॉल और डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं, तो उसमें अंडर 19 का मतलब क्या है कि जितने प्लेयर्स हैं वो सारे 19 साल से कम हैं। अंडर 16 का मतलब क्या है कि सारे प्लेयर 16 साल से कम हैं। तो उनकी जब ट्रेनिंग करवाएंगे तो हमने एक तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवानी है और दूसरा इन बातों को ज़रूर फोकस करना है। ये एक ग्रोथ प्लेट की लोकेशन के बारे में आपको दिखाया गया कि आप ग्रोथ प्लेट का पता होना चाहिए कि ग्रोथ प्लेट कहाँ पे है। ये एक नी ज्वाइंट के ऊपर, दोनों जॉइंट्स पे, फीमर पे भी और टीबिया पे भी आपको ग्रोथ प्लेट नज़र आ रही है। और बाकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं नी ज्वाइंट के अराउंड पैटेला है, इसके अलावा टेंडन है क्वाड्रिसेप्स फेमरस का और पैटेलर लिगामेंट, ये नी ज्वाइंट का स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ प्लेट है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बोन डेवलपमेंट हो रही है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो मेनटेन रहना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स की जब हमने ट्रेनिंग करवानी है तो उनमें हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए।
तो ये कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज जो है ना शुड नॉट बी लिमिटेड इन द टाइप और क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज। और इसके बाद सेफ पार्टिसिपेशन डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। जनरली हमें यह बात पता है कि जब भी एक्सरसाइज की जाती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हाइपरग्लाइसीमिया भी हार्मफुल है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हार्मफुल है। तो आपने जितनी एक्सरसाइज करवानी है उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एस्थमेटिक पेशेंट्स की जब ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो हमने उन सब में जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनको जरूर फोकस करना है। अच्छा, ये लास्ट मिनट है, ये मीटिंग एंड हो तो इसको फौरन से रिज्वाइन करिएगा। हमने ये प्रोवाइड करना है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म वो कंट्रोल रहे, एक्सरसाइज उनका अस्थमा बढ़ना नहीं चाहिए। और जो स्कूबा डाइविंग है मे बी सेफ फॉर दोज हु हैव नॉर्मल एयरवेज एट रेस्ट एंड डू नॉट एग्जिबिट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म। एपिलेप्सी एंड फिजिकल ट्रेनिंग, वो मिक्स्ड ओपिनियन है कि एक्सरसाइज सीजर इंड्यूस होते हैं या नहीं होते। इंजरी का कंसर्न किस तरह होता है, ब्लो टू हेड काजिंग अ सीजर, इंजरी ड्यूरिंग अ सीजर हो सकती है जब किसी को फिट्स पड़ते हैं। और एक्सरसाइज के दौरान हमने किन बातों को फोकस करना है, ये हर पर्सन टू पर्सन केस टू केस वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप।